नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस अर्थ इंडिया चैनल। मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नेम बायोटेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंस एंड प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का पार्ट वन वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल के थ्रू आप पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू वीडियो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट टू वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक होता क्या है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते हो कि बच्चों जो प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वह जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी मतलब एक ये वायरस है जिसको इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जीवाणु, जीवाणु मतलब जीवाणु, जीवाणु से आपको स्पष्ट हो रहा है यानी कि बैक्टीरिया। और भोजी मतलब भोजन, भक्षण करने वाला। वह वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है वो क्या कहलाता है, जीवाणुभोजी कहलाता है। तो प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत करने की क्षमता रखते हैं। कौन, जीवाणुभोजी, किसमें, जीवाणु की कोशिकाओं में। प्रतिकृत का मतलब होता है कि ये जैसे ही जीवाणुभोजी बैक्टीरिया पे अफेक्ट और इफेक्ट करता है तो अपने डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे बैक्टीरिया समझता है मेरा डीएनए है, उस डीएनए की कॉपी बनाता है तो जीवाणुभोजी बन के उस होस्ट सेल से निकल जाता है। तो जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृत मिलती हैं। प्रतिकृत मीन्स रिप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की कॉपियाँ। ठीक, कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल एक या दो जबकि दूसरे की 15 से 100 प्रतिकृत मिलती हैं। इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि 2 या 3 या 15 से 100 प्रतिकृत मिलती से ज़्यादा भी हो सकती है। यदि हम विजातीय, विजातीय मतलब होता है बच्चों बाहरी कोई डीएनए, ठीक, बाहरी विजातीय मतलब बाहरी, विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, ओके, तो इनकी संख्या को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृत संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अनुप्रयोगीजों से पुनर्योगस के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। ये विशेषताएं क्या होती हैं, क्लोनिंग अगर कराए जाए तो कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वो आवश्यक होती हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं प्रतिकृतियन का उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इसको इंग्लिश में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, शॉर्टकट में ORI। क्या कहते हैं, ORI। यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। प्रतिकृतियन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, तो प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से अगर जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रति कृत कर सकता है। अगर कोई बाहरी डीएनए खंड अगर इस खंड से जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वह ढेर सारी कॉपी, वो डीएनए जो जो भी हमने जीन अगर जोड़ा है, खंड जोड़ा है इसके डीएनए से, तो वह क्या बना सकता है, कई सारे कॉपी बना सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसीलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए, लक्ष्य मतलब
जो हमने चुना है बाहरी डीएनए हमें जोड़ना है किसी भी प्लाज्मिड में, तो लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है। अगर वो चाहता है कोई भी व्यक्ति कि कोई बाहरी डीएनए अगर हमने जोड़ दिया तो उसकी ढेर सारी कॉपी अगर प्राप्त करना चाहता है तो ओरी की जगह पे उस डीएनए को के खंड को ओरी वाले डीएनए खंड को कट करके हटा दिया और बाहरी जो भी लक्ष्य डीएनए है उसको जोड़ दिया तो क्या होगा, अब ढेर सारी कॉपियाँ उसकी होंगी। तो ऐसे संवाहक में क्लोन कराना चाहिए जिसका मूल ओरी अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में क्या करता है, सहयोग करता है। चलिए ओरण योग चिन्हक, ओरण योग चिन्हक के रूप में हम लोग समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हो ओरी के साथ संवाहक ओरण योग चिन्हक की आवश्यकता भी होती है जो अरूपांतरजो यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दे। रूपांतरण एक प्रतिक्रिया है यानी कि वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज़ को हम बदल सकते हैं रूपांतरण के द्वारा, ठीक। तो जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। आप आगे के खंड में इस प्रतिक्रिया का अध्ययन करोगे, आगे कराया जाएगा बच्चों। समानतः एपिसिलिन और क्लोरेम एपिसिलिन ये प्रतिबंध एंजाइम हैं, ठीक। अभी हम इसके बारे में समझाने वाले हैं। बच्चों एपिसिलिन प्रतिबंध एंजाइम नहीं है, ये एपिसिलिन एंटीबायोटिक है। क्लोरेम फेनिकाल टेट्रोसाइक्लिन या के नामाइसिन जैसे जैविक एंटीबायोटिक के प्रतिरोध कोडित करते हैं या कोडित करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी ओरण योग चिन्हक माने जाते हैं। समानता ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझा देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये फिगर है आपका, यह आपका प्लाज्मिड है। क्या है बच्चों, प्लाज्मिड। ये आपका प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है बच्चों। तो प्लाज्मिड में आप देख पा रहे हो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इसको बनाया गया आर्टिफिशियल तरीके से। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि कुछ डीएनए के खंड अलग अलग हैं, अलग अलग कलर में दिखाया गया है। ये है आरओपी रूप है, ये है ओरी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक। अगर यहाँ पे कोई बाहरी डीएनए अगर जोड़ा जाता है तो बार बार रिप्लिकेट करेगा। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो बच्चों एम्पिसिलिन, ये आपका एम्पिसिलिन वाला जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन है। क्या है ये, टेट्रासाइक्लिन है। ये ओरिजिन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और एम्पिसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन। और कुछ आप बाहर से देख पा रहे हो बच्चों कि ये यस हिंड सेकेंड सी ए एल फर्स्ट ई सी ओ आर फर्स्ट पी वी यू फर्स्ट पी एस टी फर्स्ट यस ए एल फर्स्ट बी ए एम एच फर्स्ट, ठीक। तो ये सब 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये 7 आपके क्या हैं, प्रतिबंध एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड के डीएनए खंड को हम कट कर सकते हैं। मान लिया ये टेट्रासाइक्लिन है, ठीक।
ये टेट्रासाइक्लिन है, इसको BAMH फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, तो यहाँ से एक मिनट, ये यहाँ से पूरा ये यहाँ से होगा और ये पूरा यहाँ से DNA के खंड को ये क्या कर देगा, ये पूरा ये कलर वाला DNA खंड कट हो जाएगा। अब कोई कोई भी बाहरी DNA अगर हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक, ये DNA खंड को हम क्या करते हैं, DNA खंड इसमें सूचना है, मान लीजिए इंसुलिन बनाने की सूचना है, तो एक से लेके चार खंड में इंसुलिन बनाने की सूचना है, तो इस खंड को ला के हम यहाँ पे जोड़ देंगे किसके द्वारा, BAMH फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक, टेट्रासाइक्लिन के जगह पे। तो ये हमारा आर्टिफिशियल तरीके से ये हमारा प्लाज्मिड है। और एक और यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे छूट गया था बच्चों, PVU सेकेंड, ओके, क्लोनिंग स्थल। अब तीसरा है ये ग, क्लोनिंग स्थल। तो बीजातीय DNA को जोड़ने हेतु समानतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंध एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए, ओके। तो संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। बीजाती DNA का बंधन किसके द्वारा जोड़ा जाता है, लाइगेज, ठीक, लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है, उन बंधन लाइगेशन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। उदाहरण के लिए आप बीजातीय DNA को संवाहक PVR 322 जो मैंने अभी दिखाया, ये आपका क्या है, ये PVR 322 है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने फिगर को अभी अभी जस्ट समझाया, ये PVR 322 है, ये आर्टिफिशियल बनाया गया हुआ ये प्लाज्मिड है। 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन, ठीक, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ सकते हैं। अभी मैंने बताया ये टेट्रासाइक्लिन, ठीक, ये टेट्रासाइक्लिन जो ये जीन है, इतना ये कट कर दिया, इसको काट के हमने हटा दिया और इसमें बाहरी बीजातीय DNA को हम जोड़ सकते हैं। TET का मतलब होगा टेट्रासाइक्लिन, क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी DNA के निवेश से समाप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज को एपिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अनुप्रयोग से अभी भी चयन कर सकते हैं। एम्फिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर सकते हैं या कर देते हैं, ठीक। पुनर्योगज एम्फिसिलिन युक्त माध्यम पर दो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा, लेकिन अनुप्रयोगज अपनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों की चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन बीजातीय DNA के निवेश से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगज के चुनाव में सहायता करता है, ठीक। अब कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अगला पढ़ेंगे हम लोग चौथा, पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चों, कि जीनों
को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने किससे सीखा है? हमने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा है। विषाणु क्या करते हैं? जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बैक्टीरियोफेज होते हैं बैक्टीरिया पे इफेक्ट और इफेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को खाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जैसे ही बैक्टीरिया का भक्षण करता है तो ये अपने होस्ट सेल के अंदर अपने डीएनए के सेगमेंट को क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये बैक्टीरिया समझता है मेरा डीएनए है, इस डीएनए की कॉपी बनाता है, जिससे क्या बन जाता है, बैक्टीरियोफेज बन के उस होस्ट सेल से बैक्टीरियोफेज के बहुत सारे कॉपी बन के निकल जाते हैं और इस तरह यह अपनी संख्या को यानी कि जनन संख्या को बढ़ा लेते हैं। कौन? जीवाणुभोजी वायरस। ठीक, तो वही सेम वही प्रोसेस हमने सीखा है किससे, जीवाणुओं और विषाणुओं से। यानी कि अगर हम कोई बाहरी डीएनए अगर हम डाल लेते हैं जीवाणु के अंदर तो जीवाणु अपना डीएनए समझ के और उस डीएनए के जैसा ही क्या करेगा और डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगा। किसी प्लाज्मिड में जोड़ के अगर किसी भी जीन को हमने डाल दिया तो वह जीवाणु समझेगा मेरा डीएनए है। अब उसमें डीएनए में जो इंसुलिन बनाने वाली सूचना है तो इंसुलिन ही क्या होगा उसमें उत्पन्न होगा। ठीक, तो ये इन सारी प्रोसेस को हमने जीवाणु और विषाणुओं से सीखा है जिन्हें यह बात ठीक चिरकाल से पता थी। वे जानते थे कि सुकेंद्र की यानी कि यूकैरियोटिक सेल तो सुकेंद्र की कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए और वे जीवाणु तथा विषाणु जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीनों को बाध्य करते हैं। ठीक, उदाहरण में देख लेते हैं हम लोग कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कई द्विबीजपत्री पौधों पर रोगजनक पैथोजन हैं यानी कि रोग उत्पन्न करते हैं। वह डीएनए के ये वायरस होते हैं एग्रोबैक्टीरियम ये बैक्टीरिया है और यह जो है कि द्विबीजपत्री का मतलब जैसे कि दाल वाले पौधे हो गए, वे पौधे जिनके बीज दो लेयर में होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। वह डीएनए के एक खंड जिनमें टीडीएनए कहते हैं उस टीडीएनए को स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अवरुद्ध यानी कि ट्यूमर रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक, अवरुद्ध मतलब ट्यूमर में परिवर्तित कर देता है और यानी कि कैंसर भी कहते हैं इसको ट्यूमर को। और ये अवरुद्ध कोशिकाएं रोग जनन के लिए जरूरी रसायनों का उत्पाद करते हैं जो वह चाहता है एग्रोबैक्टीरियम। तो वह बैक्टीरिया टीडीएनए उस पौधों की कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देता है जिससे इस डीएनए में जो सूचना है बनाने की ठीक तो वह पौधों की कोशिकाओं में जाता है तो पौधों की कोशिकाओं में वैसे रसायन बनने शुरू हो जाते हैं और इस बैक्टीरिया को क्या मिलता है, लाभ मिलता है उस डीएनए के थ्रू उत्पाद वो कराता है जो भी रसायन वो चाहता है वैसा। ठीक, इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु यानी कि रिट्रोवायरस जो समान रूप से कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्र की परपोषी में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझकर रोगजनकों की इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का टी आई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है। ठीक, उसमें बदलाव कर दिया गया है उसके टी आई डी एन ए में जो पौधे के लिए रोगजनक नहीं है अब उस टी डी एन ए को हमने बदल दिया है। ठीक, टी आई कर दिया है जिससे वो रोग उत्पन्न नहीं करेगा यानी कि उसके रोगजनक वाले डी एन ए को जीन को हमने हटा के उस वहाँ पर सामान्य जीन हमने लगा दिया है। लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचित
कि जीनों को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक इसी तरह से पशु विषाणु को हानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन के रूप में रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से एक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु पौधों व जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ यह क्या हो जाता है बच्चों, गुणित हो जाता है। बच्चों अगला हेडिंग आता है सक्षम परपोषी आतिथेय पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। देखिए चूंकि डीएनए जलरागी यानी कि हाइड्रोफिलिक अणु होता है, इसीलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। अगर हम किसी भी डीएनए को अगर किसी भी डीएनए को निकाल के किसी दूसरे जीव कोशिका में अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यह जलरागी अणु है, यह डायरेक्ट जो है कि उस कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर सकता। क्यों नहीं गुजर सकता, चलिए इसका हम लोग पता लगाते हैं और कैसे गुजारेंगे इसको भी हम लोग समझते हैं। जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हेतु ठीक है सक्षम बनाया जाए, कि लेने के लिए क्या बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले डी संयोजन धनायन, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको इंग्लिश में हम लोग डाई बैलेंट कैटायन कहते हैं, जैसे कि कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। किसके साथ, कैल्शियम के साथ ठीक है, उसके सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश कराने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है ठीक है, जिसमें हमें ट्रांसफ़र करना है जिन कोशिकाओं में, उस कोशिकाओं को ठीक है पुनर्योगज डीएनए के साथ यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए, जो डीएनए हमने बनाया प्लाज्मिड में जोड़ा है, उनके साथ हम लोग बर्फ में रखते हैं, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है ठीक है, बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री, पहले तो कूल टेम्परेचर में रखा, अब जो है कि हाई टेम्परेचर में रखेंगे, 42 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है और पुनः इसे बर्फ में रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए और कोशिका को दोनों को यानी कि जिस कोशिका में हमें ट्रांसफ़र करना है बैक्टीरिया की कोशिका में, दोनों को हमें बर्फ में रखेंगे। बर्फ में रखने के बाद कुछ समय बाद 42 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं और पुनः उसे वापस बर्फ में रख देते हैं, जिससे पुनर्योगज डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है ठीक है। परपोषी कोशिकाओं में बीजात डीएनए यानी कि बाहरी डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल यही विधि नहीं है ठीक है बच्चों, सूक्ष्म अंतक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन विधि के द्वारा भी ठीक है, विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतक्षेपित किया जा सकता है या किया जाता है। दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए के विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वर्ग सूक्ष्म कणों से बरम्बारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहा जाता है ठीक है, ये जीन गन कहा जाता है। अंतिम विधि में हानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इस संवाहक को जब कोशिकाओं को संक्रमित कर दिया जाता है, तब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं ठीक है बच्चों। अब पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीकों के बारे में सीख चुके हैं ठीक है, हमने सीख लिया है, अब उन प्रक्रमों या उस प्रोसेस को का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में हम आप लोगों को
पुनर्योगिक डीएनए यानी कि अगले पार्ट में पुनर्योगिक डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम को समझाएंगे और बायो रिएक्टर को भी हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, और पीसीआर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 वीडियो इसका जल्द ही अपलोड करेंगे, उस वीडियो में हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और बायो रिएक्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं कक्षा 11 और 12 की वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।